दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पक्षी भी है जो इंसानों की तरह निर्जला व्रत रखता है या सिर्फ खास मौकों पर ही पानी पीता है? क्या आपने उस पक्षी के बारे में सुना है जो कभी जमीन पर पैर नहीं रखता? अगर आपको ऐसी ही अनोखी विशेषताओं वाले पक्षियों के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे ज्यादा दिलचस्प, खूबसूरत और अनोखे पक्षियों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 10, जैकोबिन कुकू। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं इस अनोखे पक्षी के बारे में, जिसकी प्यास किसी झील, नदी या तालाब के पानी से नहीं बल्कि बारिश की पहली बूंद से बुझती है। यह अनोखा पक्षी जैकोबिन कोयल है, जो केवल बरसात के मौसम में ही अपनी प्यास बुझाता है। यह पक्षी कोयल परिवार का एक प्रसिद्ध पक्षी है। इसके सिर पर एक चोटी होती है जो इसे अपने परिवार के बाकी लोगों से अलग बनाती है। सर्दी और बरसात के मौसम में यह पक्षी अपनी सुरीली आवाज से बोलता नजर आता है। जैकोबिन कुक्कू लगभग 15 इंच लंबा और काले रंग का होता है, जिसका निचला भाग सफेद होता है। इसकी खूबसूरती और इसका पानी पीने का अंदाज इसे वाकई अनोखा बनाता है। नंबर 9, पेरेग्रीन फैल्कन। पेरेग्रीन बांझ बड़े लंबे नुकीले पंखों और लंबी पूंछ वाला यह पक्षी एक बड़ा बांझ है। ऐसा कहा जाता है कि शिकार करते समय पेरेग्रीन बांझ की गति की बराबरी करने वाला अभी तक कोई पक्षी नहीं है। पृथ्वी पर सबसे तेज गोता लगाने वाला पक्षी भी पेरेग्रीन बांझ ही है। इन बांझों को घुमंतू बांझ भी कहा जाता है। पेरेग्रीन ईगल पहले बहुत ऊंची उड़ान भरता है और फिर 200 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से गोता लगाता है। ये बांझ अजेय शिकारी होते हैं, जो उड़ते समय दूसरे पक्षियों का शिकार कर लेते हैं। ये अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं, लेकिन 20वीं सदी के मध्य से इनकी आबादी में भारी गिरावट आई है। अमेरिका में पेरेग्रीन बांझ एक लुप्त प्राय प्रजाति बन गया था, जिसके बाद DDT और अन्य रसायनों का इस्तेमाल बंद करने के बाद ये पक्षी वापस लौट आए। नंबर 8, कैसोवरी। अब हम उस पक्षी के बारे में बात करेंगे जिसे आप कहीं भी देखेंगे तो तुरंत भाग जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कैसोवरी की, जो दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में गिना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के क्षेत्रों में पाया जाता है। आम शुतुरमुर्ग और एमू के बाद कैसोवरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी है। कई लोगों की जान लेने वाला यह विशालकाय पक्षी लगभग 32 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। कैसोवरी 2 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 60 किलोग्राम तक हो सकता है। जो चीज कैसोवरी को इतना खतरनाक बनाती है वह है इसका निचला शरीर, यानी इसके शक्तिशाली पैर। अगर कैसोवरी को जरा सा भी खतरा महसूस होता है तो वह उछलकर अपने खंजर जैसे नुकीले पंजों से हमला कर देता है, जिससे शरीर के अंदरूनी अंगों पर चोट लगने के साथ साथ भारी रक्तस्राव भी हो सकता है। 3 उंगलियों वाले कैसोवरी का पंजा लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसलिए इस खतरनाक पक्षी के करीब ना ही जाएं तो ही बेहतर है। नंबर 7, इंद्रधनुष लोरिकेट। किसी एक पक्षी को सबसे अनोखा कहना अनुचित होगा, क्योंकि दुनिया के सभी पक्षी बहुत अनोखे हैं। हालांकि कुछ पक्षी प्रजातियों में असाधारण विशेषताएं होती हैं, जो उन्हें आम से खास बनाती हैं। रेनबो लोरिकेट ऐसी प्रकृति के सबसे सुंदर अद्वितीय पक्षियों में से एक है। इसे धरती पर सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक माना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले तोते की एक प्रजाति है, जो उत्तरी क्वींसलैंड से लेकर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तक पूर्वी समुद्री तट पर पाई जाती है। इंद्रधनुष लोरिकेट अक्सर जोड़े में देखे जाते हैं। मध्यम आकार के इन रंगीन पक्षियों का सिर गहरे नीले रंग का होता है और कॉलर का हरा पीला, छाती नारंगी और पीली होती है। इनका पेट गहरा नीला है और पंख, पीठ और पूंछ हरे होते हैं। नंबर 6, येलो फुटेड ग्रीन पिजन। अब बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जिसके पैर कभी जमीन पर नहीं पड़ते। हम बात कर रहे हैं पीले पैरों वाले हरे कबूतर की, जिसका वैज्ञानिक नाम टेरोन फोनी कॉप्टेरा है। भारत के इस अनोखे पक्षी को ऊंचे पेड़ और जंगल पसंद हैं। ये पक्षी अक्सर पवित्र अंजीर और बरगद के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। पीले पैरों वाला हरा कबूतर दिखने में राग भूरे और हरे रंग का होता है।
इनके पास खूबसूरत पीली धारियां भी हैं। साथ ही इनका शरीर चमकीला पीला होता है। इसका आकार 29 से 33 सेंटीमीटर के बीच होता है। पैर पीले होते हैं और दिखने में कबूतर जैसा होता है। इन्हें सामाजिक पक्षी भी कहा जाता है क्योंकि ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये पक्षी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, चीन आदि देशों में भी पाए जाते हैं। नंबर 5, कील बिल्ड टूकेन। कील बिल्ड टूकेन दुनिया के सबसे अद्भुत चोंच वाले पक्षियों में से एक है और यही खास बात इसे दुनिया के सबसे अलग चोंच वाले पक्षियों की सूची में लाती है। ये अनोखे पक्षी अधिकतर दक्षिणी मेक्सिको से लेकर वेनेजुएला और कोलंबिया तक पाए जाते हैं। बेलीज का राष्ट्रीय पक्षी कील बिल्ड टूकेन अपने भारी पंखों के कारण उड़ने में बहुत अच्छा नहीं है। वे केवल छलांग लगाकर ही पेड़ की शाखाओं के बीच आ जा सकते हैं। कील बिल्ड टूकेन की चोंच हरे, लाल और पीले रंग का मिश्रण होती है, जिसकी औसत लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है, जो पक्षी की कुल लंबाई का लगभग एक तिहाई है। ये पक्षी मादा पक्षियों को आकर्षित करने और उनकी रक्षा करने के लिए अपनी बड़ी रंगीन चोंच को एक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। नंबर 4, अटलांटिक पफिन। अटलांटिक पफिन उत्तरी अमेरिका और पूर्वी कनाडा के तट पर पाए जाने वाला एक छोटा समुद्री पक्षी है। पेंगुइन की तरह दिखने वाले इस अनोखे पक्षी का ऊपरी हिस्सा और छाती काली है और पेट सफेद है, जबकि इसकी चोंच रंगीन होती है। ये पक्षी अपना अधिकांश जीवन समुद्र में बिताते हैं। अटलांटिक पफिन चट्टान की दरारों में अपना घोंसला बनाते हैं। अटलांटिक पफिन पानी की सतह पर और नीचे तैरने के लिए अपने पंख फड़फड़ाते हैं। वे अधिकतर ईल, कैपलिन और हेक का शिकार करते हैं। ये जितने तैरने में माहिर हैं, उतने ही उड़ने में भी माहिर हैं। अटलांटिक पफिन प्रति मिनट 400 बार तक अपने पंख फड़फड़ाकर 55 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकते हैं। नंबर 3, फ्लेमिंगो। राजहंस विश्व में सर्वाधिक पहचाने जाने वाला पक्षी है। लंबी टांगे, सुखदायक रंग और ऊंची गर्दन उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। दुनिया में राजहंस की 6 अलग अलग प्रजातियां हैं। यह अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर पाया जाता है। लंबे पैर और चोंच राजहंस को छोटी मछलियों और झींगा पकड़ने में मदद करते हैं। यह पक्षी आमतौर पर केवल एक पैर पर खड़ा होता है और दूसरे पैर को शरीर के नीचे छिपाकर रखता है। उनके शरीर का लाल गुलाबी रंग उनके भोजन के कारण है। उनके आहार में मुख्य रूप से झींगा, छोटी मछली और नीले हरे शैवाल शामिल हैं। दरअसल इनके भोजन में मौजूद बीटा कैरोटीन के कारण इनका रंग हल्का गुलाबी से लेकर चमकीला लाल होता है। एक स्वस्थ राजहंस अधिक चमकीले रंग के होते हैं, जबकि सफेद या हल्के गुलाबी राजहंस आमतौर पर अस्वस्थ होते हैं। नंबर 2, हयाकिंथ मकाओ। दुनिया में तोतों की सभी प्रजातियों में ये सबसे बड़े तोते हैं। इनके आकर्षण का मुख्य कारण है इसके खूबसूरत नीले पंख, और इसी कारण से इसे ब्लू मैकाओ भी कहा जाता है। इसकी चोंच और आंखों के आसपास का चमकीला पीला रंग इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। यह अधिकतर दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के खुले इलाकों में पाया जाता है। इन पक्षियों के बारे में यह दिलचस्प बात है कि आप इस अनोखे तोते को अपने घर का सदस्य भी बना सकते हैं, बशर्ते आपको इसे छोटे पिंजरे में कैद ना करना पड़े। बहुत सक्रिय स्वभाव के होने के कारण इन्हें काफी जगह की आवश्यकता होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सही मार्गदर्शन के बावजूद भी आपको काट सकते हैं, इसलिए सुरक्षित रहें। वैसे हाइसिंथ मकाओ को खास तौर पर ब्राजीलियाई नट्स खाना पसंद है। इनकी चोंच इतनी मजबूत होती है कि ये नारियल को भी तोड़ सकते हैं। नंबर 1, गोल्ड क्रस्ट। दोस्तों, कौन कहता है कि सम्राट बनने के लिए आपका आकार बड़ा होना चाहिए? छोटे गोल्ड क्रस्ट का वैज्ञानिक नाम रेगुलस रेगुलस है, जिसका अर्थ है शूरवीर या राजा। शायद इसलिए इन अनोखे प्यारे रंग बिरंगे पक्षियों के सिर पर प्राकृतिक रूप से पीला मुकुट होता है। यूरोपीय लोक कथाओं में इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। दिलचस्प बात तो यह है कि यह पक्षी आकार में आपकी हथेली से भी छोटा है। कोयल परिवार का यह पक्षी पूरे यूरोप में सबसे छोटा पक्षी है। इसकी लंबाई 3.3 से लेकर 3.7 इंच से अधिक नहीं होती और इसका वजन भी काफी कम होता है।
तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।